नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। मुरादाबाद में भाजपा नेता के भाई ने कोर्ट में किया सरेंडर। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित SSP ऑफिस के सामने एक युवती पिछले 16 दिन से दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठी थी। आरोपी भाजपा नेता चंद्रशेखर सैनी का भाई सुधीर कुमार सैनी पिछले 15 महीने से चल रहा था फरार, जिसने शुक्रवार को मुरादाबाद की CJM कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जिससे पीड़ित युवती ने राहत की सांस ली है। जनपद मुरादाबाद के मझोला थाने में पिछले 15 महीने पहले मझोला थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने अपने साथ हुए दुष्कर्म को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें युवती ने लाइन पार के रहने वाले सुधीर सैनी नाम के युवक पर आरोप लगाया था कि उसने महिला के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया है। मुकदमा दर्ज होते ही आरोपी फरार हो गया था और पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी, लेकिन पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी, जिससे परेशान होकर पीड़ित युवती SSP ऑफिस पर धरना देकर बैठ गई थी और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रही थी। पीड़िता ने उस वक्त राहत की सांस ली जब शुक्रवार को आरोपी ने CJM कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आरोपी सुधीर सैनी भाजपा से वार्ड 14 के पार्षद चंद्रशेखर सैनी का भाई है। पीड़ित पक्ष के वकील हरकिशोर के मुताबिक आरोपी भाजपा नेता का भाई है, जिसकी वजह से वह काफी समय से फरार चल रहा था, लेकिन अब आरोपी ने पुलिस के दबाव में आकर सरेंडर कर दिया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। हाँ जी, क्या मामला था आपका, ये आज कौन था यहाँ पर? आज यहाँ पे मतलब मेरी FIR हुई थी 376, 313 और 504 में। 4 मई को FIR हुई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक मुजरिम पकड़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि वो भाजपा पार्षद चंद्रशेखर सैनी का भाई था। इसका नाम था सुधीर कुमार सैनी, और भाजपा के बहुत सारे नेता पूरा सपोर्ट कर रहे थे कि ये मतलब अरेफ ना हो। अभी भी उन्होंने एक, मुझे जहाँ तक पता है कि एक मतलब प्लानिंग के साथ इसे वो करा है कि किसी तरह, जब काफ़ी हमारा प्रेशर पड़ रहा था कि इसे हाजिर करवा कर किसी तरह इसे ऊपर से जमानत किसी तरह करा दें, और लेकिन फिर भी मैंने मतलब 1.5 साल से बहुत कुछ किया, और हम 16 दिन से लगातार मैं धरने पे बैठी थी, और उसके बाद अब जाके ये अरेस्ट हुआ। और इसमें मेरे बहुत सारे लोग थे जिसने मुझे अच्छे से कैसे आपसे सपोर्ट किया। कैसे हुई थी मुलाकात इससे? मेरी मुलाकात कैसे हुई थी, मतलब हमारा 15 साल का रिलेशनशिप था, जब मैं नाबालिग उम्र में थी तब इनने मुझे मतलब अपने प्रेम जाल में, झूठे जाल में फंसाया, और मुझे नाबालिग उम्र से लेकर तब तक अपने बड़े भाइयों की शादी का झांसा देकर मेरी लाइफ को बर्बाद किया, और जिसमें इसकी पूरी फैमिली को शुरू से सब कुछ पता था, और सब लोगों ने मुझे पूरा बो दिया और पूरा मतलब क्या कहते हैं विश्वास दिलाकर कि हाँ हम कर देंगे। और जैसे इसके भाई की शादी हुई चंद्रशेखर सैनी की, उसके 15 दिन बाद ही इसके बड़े भाई ने कॉल करी और मतलब मुझे लात मरवा के इसे भगवा दिया। मैं रोती रही, तड़पती रही, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। आज इनने सरेंडर कराया इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे एडवोकेट सर, मतलब मैं धरने पे बैठी थी, जैसे हरकिशोर सर है, समीक्षा अग्रवाल मैम है, ये और अमित शर वगैरह, और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा, जिनकी मेहनत आज रंग लाई है। मेरी मेहनत कम है, इन लोगों की मेहनत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आज इसे सरेंडर करना पड़ा। इन्हें सरेंडर नहीं करा है, इसे करना पड़ा है, लेकिन उन्होंने करा है, उसमें भी मतलब बहुत प्लानिंग के साथ कराया। बाकी के बड़े नेताओं ने इसे कराया कि भैया ऐसे ऐसे तू कर दे, ये केस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, हम ऊपर से ऐसे ऐसे करके इसकी जमानत का कुछ कर लेंगे, पूरी जितने भी। हाँ, अभी तो जेल गया, अब आगे देखते हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि भाजपा के सारे नेता इस केस में पड़े हैं, क्योंकि मैंने खुद से सबसे मदद मांगी है, सबसे मिली है, लेकिन मुझे किसी ने नहीं करी। लेकिन इसके घर वालों पे अगर पुलिस जाती थी ना, तो नेताओं की कॉल आ जाती थी कि घर वालों को क्यों परेशान कर रहे हैं। अरे घर वालों ने ही तो मुजरिम को दुबका रखा है, उनसे पूछा नहीं जाएगा? तो हाँ, इसके पिता श्री शेर सिंह सैनी, जो कम से कम 20 साल भाजपा में पार्षद रहे हैं, इसकी माता प्रभा रानी सैनी, जो 5 साल भाजपा की पार्षद रही हैं, इसके बाद चंद्रशेखर सैनी है, इनके बड़े भाई साहब, जो 10 साल से भाजपा में पार्षद हैं और वो अभी तक पार्षद हैं। आप SSP ऑफिस के सामने कितने दिन से धरने पर बैठी हैं? मैं SSP ऑफिस के सामने आज मुझे 16 दिन हो गए हैं, 16 दिन से धरने पर बैठी थी, उसके बाद ही मतलब आज इन्हें सरेंडर करा है, और मैं बहुत खुश हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि इसे, इनने मेरा पूरा बचपन, पूरी ज़िंदगी सब बर्बाद करा, इसके पूरे घर वालों ने मिलकर मेरी मासूमियत के साथ खेल खिलवाड़ करा, मेरी अच्छाइयों के साथ खिलवाड़ करा,
तो मतलब इसे सख्त से सख्त सज़ा मिले और कोई भी लड़की ऐसे लोगों के जाल में ना फंसे, क्योंकि मैंने अपने आप को कैसे संभाला है, मेरी क्या हालत हो गई थी मैं जानती हूँ। मैंने बहुत ही मासूमियत और अच्छाई, किन-किन लोगों ने समर्थन दिया मेरे धरने को? बहुत सारे लोगों ने समर्थन दिया है, जैसे समीक्षा, मैं समीक्षा अग्रवाल है, एडवोकेट हर किशोर सर है, एडवोकेट और भी मतलब अमित सर हैं, ये जितेंद्र बाल्मीकि सर हैं, और भी वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आते थे, मुझे समर्थन देते थे। आज इन्हीं लोगों की मेहनत रंग लाई है कि वो गिरफ्तार हुआ और मैं यहाँ खड़ी। इस मतलब ये केस बहुत लोगों ने मुझसे बोला, इसकी फैमिली ने कि छोड़ दो, लेकिन मेरी फैमिली ने भी कि मेरी लाइफ वो होगी वो करो, लेकिन मैं खड़ी इसलिए हुई क्योंकि मुझे पता था कि इसके बाद मैं ख़त्म हो चुकी थी। बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है, वो सुसाइड कर लेती है, मेरी भी वही हालत हो गई थी, लेकिन मैं खड़ी इस वजह से हुई कि कब तक इस तरह लोग धोखा बर्दाश्त करते रहेंगे, लड़कियों को धोखा देते रहेंगे सब फैमिली वगैरह, और लड़कियां सुसाइड करती रहेंगी, और ऐसे लोग बस जो लोग समझौता कर लेते हैं फैसलों से, तो ऐसे लोग तो ऐसे ही होते रहते हैं। इसीलिए इंसान को खड़ा होना चाहिए कि ऐसे लोगों को सबक मिले और आगे इनके खानदान को सबक मिले। कोई फैसले का दबाव पड़ा था? हाँ, बहुत दबाव पड़े थे, लेकिन मैं इसी वजह से नहीं करा ऐसे। तो आप क्या चाहती थी? मैं यही चाहती थी कि ये गिरफ्तार हो और जेल जाए, क्योंकि आगे तक के लोगों को वो मिले कि लड़कियों की मासूमियत के साथ खिलवाड़ ना हो, उसकी सच्चाई और उसकी अच्छाई के साथ ना हो। इस वजह से मैं यहाँ खड़ी हुई। नहीं जी, आज जो धरना समाप्त हुआ है, क्या मामला था, क्या पकड़ा हुआ है? देखिए, ये थाना मझोला में 376, 313 और 504 का एक मामला था सुधेर सैनी के खिलाफ, और ये 1.5 साल से मामला चल रहा था। मुलजिम प्रभावशाली था, भाजपा का उसका भाई पार्षद है और उसके फादर भी भाजपा के पार्षद रहे हैं। जब भी पुलिस उनको पकड़ने के लिए जाती थी, ऊपर से राजनीतिक दबाव आ जाता था। इस दबाव में थाना पुलिस जो है पीछे हट जाती थी और पीड़ित का लगातार उत्पीड़न हो रहा था, उसको धमकी दी जा रही थी और पीड़िता तमाम अधिकारियों के पास उन्होंने चक्कर लगाए, लेकिन मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। ये मुलजिम बहुत शातिर किस्म का है, बहुत ही सोच समझ के इसने एक मासूम बच्ची को अपने जाल में फंसाया और उसको शादी का झांसा देकर उसका यौन उत्पीड़न करता रहा, हर तरीके की उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। आज ये 16 दिन से धरने पर बैठी, SSP महोदय के सामने ये धरना दे रहे थे और सभी लोग यहाँ उनके समर्थन में थे कि जो हमारे शहर के अंदर इस तरीके से जो महिलाओं के बच्चियों के साथ उत्पीड़न हो रहा है और ये प्रभावशाली लोग उत्पीड़न कर रहे हैं, ऐसा ना हो। सब ने सपोर्ट किया धरने को और आज मुलजिम को दबाव में आकर सरेंडर करना पड़ा है और वो जेल गया है। हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसे मामलों में, और हम खास तौर से जो राजनीतिक लोग हैं जो सत्ता से जुड़े हुए हैं, वो जो ऐसे मुलजिमों को संरक्षण देते हैं, हम उनसे ये आग्रह करेंगे कि हमारे शहर के अंदर समाज के लिए ये घातक है, पीड़ित लोगों को न्याय कैसे मिलेगा, बार बार क्या किसी को धरने में बैठना पड़ेगा? तो हम यही चाहते हैं और हम अदालत का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने जेल में भेजा है, और हम पुलिस का भी शुक्रिया अदा करते हैं, मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इस मामले में वो सब लोगों ने सहयोग किया और आज मुलजिम जेल गया है। हम यही चाहते हैं कि उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले।